वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदिता श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजनो समायुक्तम् बिंदावनम् मनोहर वांछाकल्पतरुवश्य कृपासिन्धुभ्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवन्मविष्टदोहम् तेतास्पदम् शिव विरुञ्चिनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पुनतपालभवाद्विबोधम् वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गोपवधूष्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिकामी कदा कृपां करोष श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अजान लंबित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकवितरो कमलायताक्ष विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा भतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागम नारायणो प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज वीशनाथ वागीशजुष्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेन श्रेयभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अञ्जसा सर्गापवर्गं मध्याम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत् योगेन दान धर्मेन श्रेयभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अञ्जसा सर्गापवर्गं मध्याम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए हैं। संबंध ज्ञान दाता श्री गुरुपाद पद्म का कृपा से संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। हर कोई का दीक्षा हो जाता है, दिव्योज्ञान उनमें होना कोई मामूली बात नहीं है। कैसे समझा जाए कि संबंध ज्ञान का पुष्टि हुआ है, कैसे समझा जाए कि हमारा वास्तव दीक्षा हुआ है, कैसे समझा जाए। दिव्य ज्ञान दाता गुरुदेव कृपा, गुरुदेव का कृपा से ही संबंध ज्ञान प्राप्ति होता है। चैतन्य चरितामृत का एक बात है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम। तात्पर्य ये है, दीक्षा का समय दीक्षा लेने वाले का सर्वांगीण शरणागति सिद्ध हो जाए शुद्ध गुरु जी के चरण में। अगर तत्वज्ञानी महापुरुष गुरुपाद पद्म के चरण में है, दीक्षा का टाइम पे ही वास्तव शरणागति सिद्ध हो जाए, तब तो कहना ही क्या है, सारे समस्या का समाधान हो जाए। बहुत दिन से अंधेरा है एक कमरा, मानो कि 50 साल से। अगर कोई इस कमरे में घुसे, उसका साथ अगर बड़ा लाइट जो है मसाल लेके घुसे, टॉर्च लाइट बहुत बड़ा है, तो 50-50 साल सर अंधेरा तो है ही है। फिर भी जब एक टॉर्च लेके, लाइट लेकर, मसाल लेके उसका अंदर में घुसे, क्या 50 साल लगेगा वो एक एक वस्तु को देखने के लिए? अंदर में जो चीज़ है क्या कुछ नहीं है वो सब प्रकाश अर्थात देखने के लिए क्या 50 साल लगेगा? हो सके कि 50 साल से अंधेरा में है। ऐसा ही है, बहुत दिन से अंधेरा में है एक जीवात्मा, लेकिन गुरु वैष्णव का वास्तव कृपा हो जाए और लेने वाले अगर वास्तव कृपा ले सके तो तुरंत अंदर में ज्ञान का रश्मि फैल जाएगा पूरा। इसके लिए ज़्यादा देर नहीं लगता है, साधन चाहिए। दिव्य ज्ञान दाता गुरुपाद पद्म कृपा ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब दीक्षा काल अगर शरणागति सिद्धि हो पाए तो उस समय पे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत ऐसा लिखा है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। वो आत्मसमर्पण होने का साथ साथ ही ये रास्ता खुल जाता है, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। असली बात ये है कि दीक्षा काल में शरणागति 100% सिद्ध होना
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जितना परिमाण में शरणागति हो पाया उतना परिमाण में ही वो दिव्य ज्ञान का जो प्रभाव है ये पढ़ सकता है, ये प्रभुपाद जी ने कहे। संबंध ज्ञान, जिस दिन संबंध ज्ञान पैदा हो जाता, जिस दिन मन की अंधेरा जितना सारे गायब हो जाता, जिस दिन समझ में आता है भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रभु, मैं कृष्ण का नित्य दास, कृष्ण सेवा ही मेरा कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म नित्य धर्म, दूसरा कोई कर्म है ही नहीं मेरा, दूसरा कोई ड्यूटी कर्तव्य मेरा जिंदगी में है ही नहीं, कृष्ण एकमात्र कृष्ण ही समग्र विश्व समग्र अनंत ब्रह्मांड का मालिक है। सो कोई अगर कृष्ण पूजा करने जाए, कृष्ण सेवा करने जाए, उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मन से अगर करने जाए कृष्ण सेवा, अगर कोई करने जाए एकमात्र कृष्ण सेवा अनन्य भक्ति योग के द्वारा, कोई रोकने जाए कोई रोक नहीं सकता। जैसे प्रहलाद महाराज को रोकने गया कि क्या क्या रोक पाया क्या, ध्रुव महाराज को कितना रोका, सराउंडिंग परिवेश, रोकना संभव नहीं। अगर अनन्य भक्ति हो तो भजन कृष्णों का करे, लेकिन गणपति देवता का पूजा जरूर करे, सूर्य देवता गणपति देवता शक्ति का पूजा शिव का पूजा ये करते चले, ये पंच उपासक है कृष्ण का छाया का मापिक, और ये जो अर्चन है ये जो पूजा है ये जो ये भगवान का कृष्ण का जो छाया शक्ति का उपासना ये अविधि पूर्वकम, इस ऑथेंटिक पूजा नहीं है। भगवान बोले ये ऑथेंटिक नहीं, अविधि पूर्वकम, और करे तो ऐसा ही फल मिले, क्योंकि समझना चाहिए कि कृष्ण छोड़कर अनंत ब्रह्मांड का किसी का कोई स्वतंत्र अधिष्ठान है नहीं। ये छाया शक्ति का पूजा करने से कभी भी स्वरूप ज्ञान और संबंध ज्ञान का परिपुष्टि नहीं हो पाएगा। स्वरूप ज्ञान मतलब, स्वरूप ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान। अक्सर आदमी बोले तो संबंध संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान जावे दूर, भक्ति कीर्तन में संबंध जानिया भजीते भजीते अभिमान हो दूर। संबंध पता नहीं कैसे जाए, संबंध का मतलब पक्का रिश्ता, हमारा साथ दुनिया का किसी का कोई रिश्ता नहीं, मेरा साथ कभी किसी का ना रिश्ता था ना रिश्ता होगा ना रिश्ता है, किसी का साथ मेरा कोई रिश्ता है नहीं, हो नहीं सकता, एकमात्र मेरा साथ भगवान का रिश्ता है। ये बात को समझने से जरूर उस स्वरूप ज्ञान का पुष्टि हो जाता, अर्थात संबंध ज्ञान स्वरूप ज्ञान का पुष्टि हो जाता। बेमतलब जितना सारे आदमी हैं, बेमतलब तमाम चीजों में अपना मन को डिवाइड करके रखा है, डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, तमाम चीजों में डिवाइड करके एक एक चीजों में तरह तरह का वस्तुओं पर खिंचावट है, आकर्षण है, अपना एक मन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, मन को रखा है ऐसे। और जिसका साथ हमारा नित्य संबंध है, इटर्नल संबंध है, इसका साथ संबंध तोड़ के रखा है। जिसका साथ संबंध तोड़ना संभव ही नहीं, चाहे हम इनकार कर दे, चीख चीखो चिल्लो कुछ भी करो, मेरा साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है, चिल्लो, लेकिन कोई फायदा नहीं, संबंध नहीं तोड़ सकता। संबंध भूल गया, संबंध बाहरी दृष्टि में छोड़ दिया, लेकिन संबंध तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि नित्य संबंध है,
जो नित्य संबंध है उसको कैसे तोड़ा जाए, संभव नहीं। तमाम चीजों में अपना मन को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, आसक्ति बना के रखा है, और जिसका सा संबंध संबंध बना के रखा है तमाम चीजों में, भाई बंधु स्त्री पुत्र स्वामी सारे चीजों में, रुपया पैसा सब चीजों में अपना मन को लगा के रखा है। और शास्त्र में उदाहरण दिया गया, मानो कि एक पेड़ जब धीरे धीरे बढ़ते चले, पेड़ का नीचे का पोर्शन अर्थात उसका जो रूट है, जड़ है, वो भी नीचे जा रहा है। जितना हम विषय में आसक्ति बढ़ाते चलेंगे, अकल नहीं है, उतना ही मेरा विपत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि आसक्ति ज्यादा है, मतलब हमारा जो जड़ है नीचे से नीचे जड़ है। एक नारियल पेड़ का जड़ कहाँ तक जा सकता है, एक बटवृक्षों का जड़ कहाँ तक जा सकता है, एक पीपल पेड़ का जड़ कहाँ तक, आप सोच भी नहीं सकते, असंभव है, यहां पहुंच जाता है। जितना विषय में लगन लगा के रखेंगे उतना ही अपना नुकसान है। ये मूर्ख आदमी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, समझता नहीं कि ये बंधन है, ये मुक्ति का रास्ता है, ये विषय है, ये चिन्मय वस्तु है, आत्मा चिन्मय है, शरीर का साथ कोई ताल्लुका है नहीं, लेकिन कर्म फल को भोगने के लिए हमको शरीर पकड़ना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्या करूं। अवश्यमेव भक्तव्य कृतकर्मम शुभाशुभम, एक एक आदमी का, एक एक जीवात्मा का अपना अपना कर्मफल, अपना ही अपना कर्मफल अपने को ही भजन भोगना पड़ेगा, कोई ठेका नहीं लिया। गुरु जी का चरण में शरणापति हो गया, हरिनाम लिया तो चलो, उसका लिए तो कोई बात नहीं, नामाभाष्य मुक्ति पर्यंत तो है। हरिदास ठाकुर ने सिखाया कि नामाभास के द्वारा मुक्ति तक हो जाता है, लेकिन मुक्ति का यहाँ जो है ये क्या एक्सप्लेनेशन नहीं, ये साधारण मुक्ति अर्थात विषय से छुटकारा। नामाभास से मुक्ति ये जो है, ये नामाभास में मुक्ति जो है ये विषय से छुटकारा और कुछ नहीं, विषय से छुटकारा। आगे चल के त्रिगुण का बाहर, विषय से छुटकारा मतलब ही विषय से छुटकारा मतलब सब सब विषय है, विषय मतलब हमारा मन भी मेटेरियल है, उससे भी छुटकारा मिल गया। सारे नामाभास में यहाँ तक जा सकता है, नामाभास का इतना प्रभाव है कि मेटेरियल माइंड है, मेटेरियल बुद्धि है, मेटेरियल सराउंडिंग्स है, सतरजतम गुण है, जितना सारे मैटर है, मैटर से भी छुटकारा मिल सकता है, ये भी हो सकता है, ये प्रिलिमिनरी मुक्ति है। लेकिन ये मुक्ति का बाद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कब खिंचावट आ जाए कुछ, क्योंकि पर वस्तु श्रेष्ठ वस्तु में जब तक मन को ना लगाए, चिपक एकदम चिपक जाएगा, भगवान का चरण में, कथा का चरण में, भगवान का प्रसंग में, सारे मन एकदम चिपक जाए तो गारंटी है, नहीं तो ऐसा नामाभास में मुक्ति हुआ, ये मुक्ति का भी कीमत है थोड़ा, और फिर भी उसका बाद भजन करके तमाम चीजों से छुटकारा मिलना, अर्थात भगवान के चरण में लगन लगाए, सेवा में मन आया, तब तो ये तो असली नाम का ये खेल है, भगवान का जो वास्तव नाम है ये नाम का खेल है। एक नामाभास से मुक्ति, विषय मुक्ति ये हो गया, और वास्तव नाम अगर उच्चारण करे ये तो असंभव है, इतना सुंदर है वास्तव, एक नाम का उच्चारण करे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, जो भी है चलो ये सब बात। अब इधर काल गीता में चर्चा कर रहा था, ये चारों किस्म का आदमी का नसीब खराब है, कभी भी भगवान का चरण में प्रपत्ति स्वीकार करना ये लोगों का बस का काम नहीं है। नौ मान दुष्कृत नौ मूढ़ा प्रपद्यंत नराधमः
मायाया परितज्ञान असुरम भावम अश्रिता। एक तो है मूरा नराधमा, उसके बाद माया परितज्ञान और उसके बाद असुर, चारों का हम व्याख्या ठाकुर जी का कृपा से भक्तिमोहन ठाकुर का अनुगत्य में बलदेव विद्यावसन विश्वनाथ चक्रवर्ती अनुगत में ये चारों चीजों का थोड़ा खुलासा करने का प्रयास में चेष्टा किया। जो श्लोक देके शुरू किया था ये भी कोई कमती नहीं है, बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है भागवत जी का 11 स्कंद का। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत योगेन दान धर्मेन श्रेय भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मध्याम कथंचित जदिबा कथंचित जदि वंचति। इसका मतलब ये है यत कर्म भीर कर बोले कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्यो योग दान धर्मो, धर्म बोले जनरल धर्म, भागवत धर्म नहीं, साधारण जो धर्म है धर्मों का जो व्याख्या, और तरह तरह का व्यवस्था बना के रखे हैं साधन का, इसके द्वारा जो कुछ प्राप्ति करने का आशा रखता है जीवात्मा, कोई आदमी अगर आशा रखता है उसका लिए बड़ो बड़ा इंपॉर्टेंट संवाद है। ये कान खोलकर सुन ले, भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो आशा रखता है कि ज्ञान कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग दान धर्मो, या तो तरह तरह का दूसरा किस्म का श्रेय साधन का उपाय बना के जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है जगत में, कुछ चीज प्राप्ति करने का आशा रखता है, ये लोग कान खोलकर सुन ले। भगवान कह रहे हैं कि मदियो भक्त, हमारा भक्त जो है ये हमारा भक्ति योग के द्वारा अनायास ये सब प्राप्त कर सकता, खमाखा ये उल्लू का माफिक समय खराब कर रहा है। भक्ति योग मदभक्ति मदभक्तो मदभक्ति योग के द्वारा अनायास तत्समूह ये सब जो आशा लेकर दौड़ रहा है ये सब अनायास प्राप्त हो सकता भक्ति के द्वारा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी दिल में ये इच्छा पैदा हुई कि हमको स्वर्ग में जाना है, अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करना है, इतना तक कि वैकुंठ लभ लाभ करना है, फिर भी मिल जाएगा। मद भक्त लभते अंजसा, लाभ करते रहता है। सो ध्यान देके ये बात को विचार करना चाहिए। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च यत योगेन दान धर्मेन श्रेय भीरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अंजसा मीन इजिली, सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्त लभते अंजसा स्वर्गापवर्गम मध्याम कथंचित ज्योति वांछति, ये भी प्राप्त हो जाता, ये कोई बड़ा बात नहीं। ये भगवान कह रहे हैं कि कोई बड़ा बात नहीं है, तो अनायास मिल सकता, कोई बात नहीं। भगवान का माया वाकई ही इतना असंभव है, ये किसी का दोष नहीं है, किसी को गाली देने से पीटने से को होता नहीं। भगवान का माया इतना प्रभावशालिनी ये इसके पीछे किसी का कुछ राज चलता ही नहीं। हर व्यक्ति ब्रह्मा शंकर से लेकर ऐसा कोई है नहीं ऋषि मुनि कभी भी आज तक अहंकार के वशीभूत होकर ये कमेंट नहीं कर सके कि चलो हम माया जय कर लिया, ये बोलना भी असंभव है। जब भी कोई ऐसा अहंकार करे तुरंत माया आके उसको एक लात लगाए, असंभव है, ये किसी का दोष नहीं। गुरुजी अपना जीवन जिंदगी आदर्श दे के हमको समझने समझाने का कोशिश कर रहे हैं, वो तो अपना तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा तरफ से हमारा भी कोशिश है
जितना भी हो सके गुरु जी को चिट करके माया का व्यासन में लगा रहे, जितना सारे गुरु जी के सामने रखकर लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि सबको कौआ का माफिक वो एकत्रित करते चलो, इकट्ठा करते चलो। कौआ जैसे करते हैं जे दुनिया का काचड़ा लाके घर में लाके, वो ये भी दरकार है, ये भी जरूरी है। हाँ वो तो जरूरी है ही है, जितना सारे कचड़ा है सब लेके, और भक्तों बन के भी लाल लीला पीला सब कपड़ा लेके भी हम लोगों का यही प्रयास प्रचेष्टा है। भगवत प्राप्ति का प्रसंग जो है ये बड़ा दूर की बात है। ये ब्रजवासी का जो कीर्तन है हम तो हंसते रहते हैं सुनते। बड़ी दूर नगरी गोकुल नगरी वो तो गाते रहते, सच सचमुच बड़ा दूर की बात है। कहाँ तक पहुँचने से भगवान का हृदय जो है पिघल सकता, कहाँ तक जाने से तब भगवान का हृदय पिघल सकता है। भगवान का जो अटेंशन है वो हम कैच कर सकता है, कहाँ तक जाने से। इसीलिए पिछले दिन सुरा चर्चा किया, उसका पहले भी दिन, ये बड़ा जरूरी श्लोक है। दैवी ही ऐसा एकत्रित करके पाठ करो तो ऐसा आता है, दैवी झेसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे बजे प्रपद्यंते माया में तम तरंती। रास्ता एक ही है, भगवत चरण में प्रपत्ति स्वीकार जो करे उसका लिए माया कोई कुछ बिगड़ेगी नहीं, बिगड़ेगा नहीं, उसका लिए कोई समस्या है नहीं। लेकिन ये माया क्या चीज है, बहुत बहुत आदमी बोलते रहते माया माया, लेकिन माया है क्या चीज, इसका कोई डेफिनेशन तो जरूर होगी। माया का डेफिनेशन समझना बड़ा असंभव है, फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर का कृपा जब है तो समझना कोई असंभव भी नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, माया का डेफिनेशन दे रहे हैं, ये भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है, भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है स्वरूप शक्ति है, मतलब ये असली शक्ति है। भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वास्तव शक्ति जो है स्वरूप शक्ति नहीं रहने से, जिसका अस्तित्व नहीं रहती, इसका साथ माया शक्ति। भगवान का स्वरूप शक्ति अंतरंगा शक्ति वास्तव शक्ति, भगवान का स्वरूप शक्ति का बाहर जो शक्ति है बोलकर महसूस होता है, लेकिन वो स्वरूप शक्ति नहीं रहने से जिस शक्ति का अस्तित्व गायब हो जाती है, इसका नाम है माया शक्ति, मतलब छाया शक्ति। किसी आदमी अगर कोई लाइट का सोर्स का अगेंस्ट खड़ा हो जाए, उसका परछाई पड़े पीछे, लाइट का सोर्स सूर्य हो या चंद्रमा हो या तो कोई लाइट सोर्स का अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो पीछे एक परछाई पड़े। अगर वो लाइट सोर्स गायब हो गया तो ये परछाई का कोई क्वेश्चन है नहीं। इसीलिए छाया ब्रह्म संगीता में जैसे बताया, सृष्टि श्रुति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वस्व भुवनानी विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम जस्व चेष्ट तेसा गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजा। ये माया का डेफिनेशन, छाये वस्व भुवनानी सृष्टि श्रुति प्रलय, सृष्टि श्रुति प्रलय जो शक्ति के द्वारा संगठित भगवान का ये माया शक्ति। पहले भी कह चुके हैं कि भगवान का जो काल शक्ति है, काल का प्रभाव के द्वारा जब महाप्रलय का अंतिम में जब फिर सृष्टि होने जा रहा है, तो बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ सत्रजतमो गुण ये प्रकृति इसका डिसबैलेंस हो पाता है। ये महाकाल के प्रभाव के द्वारा, उसके बाद प्रधान
द पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल क्रिएशन और प्रधान डिवीजन हो के कैसे कैसे सारी सृष्टि तमाम आगे चलकर अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश। मायावादी लोग भगवान का शक्ति का इनकार करते, ये मानते नहीं। जो भी है ये माया शक्ति का मोटा मोटी डेफिनेशन हो पाए। भगवान जब माया शक्ति को ओवर अधिष्ठान करके, भगवान जब अपना शक्ति को ओवर अधिष्ठान करे तो चित जगत का, चित शक्ति का जितना सारे विन्यास है, जितना सारे जो कुछ भी है वो नित्य जगत का, जब ततस्थ शक्ति का ओवर अधिष्ठान होके कम किया करे तो अनंत जीवराशि, ऐसे तो जीवराशि नित्य है, अधिष्ठान होके मतलब ये भी एक आश्चर्य चीज है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है नहीं, फिर भी ये बोला जाता है, क्या किया जाए। तो हमारा कंसेप्शन जो है क्लियर बनाने के लिए बोलना जरूरी है। जब माया शक्ति का अधिष्ठान पर सवार होकर भगवान अधिष्ठान होके है ना, तो उसका बाद अनंत ब्रह्मांडों का प्रकाश भी है। ये माया शक्ति का, ये माया का प्रभाव से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, साधु गुरु कृपा बिना न देखी उपाय। पहला दिन चर्चा कर रहा था मूरो कर्म जरो पशुतुल्यो कर्म परायण इदृशो, ऐसा मापिक मूढ़ व्यक्तिगण श्री विष्णु अर्थात भगवत स्वरूप हमको इंद्र वरुण आदि जैसे देवता लोग है कर्मांग रूपे अर्थात जीवों का मापिक कर्माधीन बोल के विचार कर लेता है ये सब आदमी, ये मूढ़ है, कर्म विमोहित चित्त। नाराधम जो है हम व्याख्या किया काल, आज ज्यादा नहीं करें, आगे चल के दैव कत्विक प्रचारित होके हरिकथा सुधा छोड़ कर टट्टी पेशाब खाने के लिए तैयार हो गया। असत कथा श्रवण विश्वनाथ चौकोदी तो बताया, हम काल उदाहरण भी दिया, विश्वनाथ चकोदया कह रहे हैं कि भक्ति का यूटिलिटी थोड़ा समय तक देख लिया, उसका बाद देख के जो बेकार है ये तो कोई काम का नहीं है, छोड़ दिया। क्योंकि जो मंगा फल प्राप्ति में, फल प्राप्ति में बेगात हुई, उसका बाद छोड़ दिया। ये पखंड, ये है पखंडी नराधम। और माया पर तो, माया दरा पर तो ज्ञान बड़ा पंडित है, ये है तमाम शास्त्रों को मुखस्त करके रखा है, लेकिन समझने का टाइम में कुछ नहीं है। जैसे वृंदावन दास ठाकुर लेके हैं, गौरदेव प्राय शास्त्रो वही मौरे, ये बंगाली में लिखा है, गाधा जैसे गौरदेव, जैसे गाधा जैसे बोझ उठाते रहते हैं, ऐसा शास्त्रों का बोझ मुखस्त कर लिया, व्याकरण आदि सब कुछ कर ली हैं सब, और अनुभव में कुछ नहीं है। ऐसा मापिक जो है वो मायादार अपरित ज्ञान माया को ही मानता है, इसका पास जो भगवान का नित्य स्वरूप है ये सब कुछ इसका लिए विश्वास है कुछ नहीं है। मानुष आदमी जो मानव शरीर प्रकार के भगवान जो आते हैं जो हम, तब ये लोग मेरे को समझ नहीं पाते। मनुष्यम तो निमाश्रितम, और असुर भाव संबंध ये सब चिन्ह मात्र अनुभूति, चिन्ह मात्र मम शिकार। जैसे जरासंधर आदि हमने व्याख्या की, बहुत खूब जाग जुग भूत धूमधाम से करे लेकिन भगवान को मारने का कोशिश करे, चैतन्य स्वरूप भगवान को ठुकरा दे, ये मायावादी लोग जो है ये सब इसका विचार बड़ा खराब। तो काल ये विचार करके देखे
जब पशुतुल्लो मूढ़ो कर्मीगण पशुतुल्लो मूढ़ कर्मीगण भक्ति त्यागी नराधमगण श्री राम कृष्णादि भगवत विग्रहों का ऊपर अवज्ञा करने वाले पंडित मानी अपरित ज्ञानीगण मायापरित ज्ञानीगण और असुर भावापन्नो जो चिन्ह मात्र अनुमति भगवान का स्वरूप कोई मानते नहीं मायावादी लोग जो है ये चतुर्विध दुष्कृति परायण व्यक्तिगण भगवान श्री कृष्ण का शरण शरणागत तो होना इन लोगों के लिए कोई संभव नहीं है, हो नहीं पाते, ये लोगों के लिए संभव नहीं है। लेकिन ये दुष्कृति परायण आदमियों में कभी कभी ऐसा भी हो जाता, कभी कभी रेयर केस, जब उस अवस्था से ये परिवर्तन होके चेंज हो गया पूरा, ये हो सकता है, कभी कभी होता है दुष्कृति परायण। जैसे अजामिल का उदाहरण दे, दुष्कृति परायण है। वाल्मीकि मुनि का पहले जिंदगी का उदाहरण है, ये दे दे, ये कभी कभी हो सकता है, ये कभी कभी रेयर केस, अक्सर होता नहीं, ये भगवान का चरण में शरणापत्ति लोगों के लिए असंभव है, लेता नहीं। और अगले श्लोक का 16 श्लोक का काल चर्चा हो पाया थोड़ा, चतुर्विदा भजन्ति मांग जनहा सुकृतिनो अर्जुन आस्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सव, हे भरत भरत ऋषभ भरत वंशीय श्रेष्ठ ऋषभ, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ भरत वंशीय श्रेष्ठ अर्जुन को बता रहे हैं कि ये चतुर्विदा चारों किस्म का ऐसा है, चतुर्विदा भजन दे, चार किस्म का आदमी जो मेरे को भजन कर सकता है, मांग जनहा सुकृतिनो अर्जुन, अगर इसका सुकृति हो जाए, ये कौन कौन है, बोला आर्तो है जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चो वार्तासो, ये इसका भी उदाहरण हमने दे दिया, आर्तो का उदाहरण गजेंद्र दे दिया, जिज्ञासु का उदाहरण दे दिया परीक्षित महाराज या तो अर्जुन, फॉलो ऐसा करके ज्ञानी भक्त का भी उदाहरण दिया, अर्थार्थी है प्रहलाद महाराज, ज्ञानाभिलाषिन तपस्वितम, ये जो श्लोक है इसका विचार, त्वंग प्राप्तवाम मून त्वंग त्वंग प्राप्तवाम हैं, तुमको हम प्राप्त कर लिया, पहले तो सेनाभिलाषिन तपस्वितम, हम कुछ आशा रखते हुए भजन शुरू किया, फिर उसका बाद देव मुनिंद गुह्यम, देव मुनि ऋषि काफी सोचने का बाहरी जो चीज है, देव मुनिंद गुह्यम, ये तुम्हारा जो चरण है ये प्राप्त कर लिया। और कैसे अफसोस का साथ कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज काचम बिन काचम विचिन्न नोपि दिव्य रत्नम त्वम प्राप्तवान, काचम विचिन्न नोपि दिव्य रत्नम त्वम प्राप्तवान देव मुनिंद गुह्यम, शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तमाम आदमी सोच रहे कि हीरे जबड़त होगा, लेकिन शीशे का टुकड़ा है, काचन विचिन्न नोपि दिव्य रत्नम त्वं प्राप्तवान देव मुनिंद गुह्यम सानाभिलाषिन तपस्वितम, कुछ आशा रखते हुए भजन किया था प्रहलाद महाराज, लेकिन अंतिम में नारद जी का कृपा से भगवान का दर्शन हो गया,
और भगवान तब कह रहे हैं कि अफसोस का साथ प्रभु जी हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान का कहने का मतलब है चतुर्विध आदमी भजन कर सकता है, लेकिन इन लोगों में जो सुकृतशाली बने, ऐसा नहीं कि चुद मैं भी हम भी भजन करें मारा हम भजन करें कैसे चतुर्विधा आर्तो हम आर्तो है आर्तो है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा आर्तो है, कई ऐसा उदाहरण ज्यादातर है मुसीबत में फंसे हुए हैं। गिरिराज महाराज की जय हो, आपका परिक्रमा कर लो, बचा लो ठाकुर जी, आपका पूजा उतारेंगे हैं, ऐसा ऐसा दूध की धारा देंगे, ऐसा हैं पूरा नृसिंहो देव को 50 केजी दूध का प्रमाण लगा देंगे, ऐसा आशा रखते हुए कहीं। लेकिन अक्सर देखा जाता है, हमने देखा खुद अपना जिंदगी में, तब तो गुरु जी जिंदा गुरु जी प्रकट लीला कर रहे थे पुरुषोत्तम धाम में। एक आदमी मेरे को फोन करके परेशान किया, कैसे महाराज आप बचा लो, हमारा ब्रेन कैंसर हो गया, हम अभी इधर आया भेलोर में, अब बाँचे तो खूब सेवा करेंगे, हम गुरु जी को जाके बताएं महाराज ऐसा आदमी आपका पास आया भी था, दर्शन भी किया और मेरे को बाहरी दृष्टि में तो प्यार रखता है, असली प्यार तो है नहीं, जो भी है सो अपना स्वार्थ के लिए झोली भरता है। तो हमको हम गुरु जी को बताएं ऐसा ऐसा वो आदमी को ब्रेन कैंसर हो गया, कैसे क्या हो सकता गुरु जी, गुरु जी भी सुन लिया और कुछ नहीं, और देखा मेरा अंदर में थोड़ा बहुत टेंशन है, थोड़ा बहुत अरे गुरु जी ने अपना लिया विषय को। उसके बाद ऑपरेशन हो गया और उसका बाद आज हो गया 18-20 साल, इसका ऊपर 22 साल भी हो सकता याद नहीं, ये बच गया। हमने तब उसको बोल के रखा देखो आप अगर बच जाओ तो आपको भजन करना है, हाँ 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 खूब करेंगे भजन, आपका आप अगर बच जाओगे तो मरना ही है, अगर बच जाओगे तो भजन करोगे ना, हाँ हाँ खूब करेंगे। अब महाराज कैसा बुद्धि खराब है, जब हो गया आया वो हम उसको विचार उठाया, आपने बोला था अरे अभी तो संभव नहीं ऐसा है करके टाल दिया बात। अब हो गया 22 साल, अब भी भजन का कोई विषय नहीं, कोई इच्छा ही नहीं। अब लड़की भाई लड़की बड़ा हुई बैंक में नौकरी कर रही है स्टेट बैंक, फिर उसका लफड़ा है शादी में, जोर जबरदस्ती लड़की शादी की, बस फंस गया, अब लोड़ आया मेरा सामने। जड़ जगत का आदमी का ऐसा ही विषय है, जब फंस जाए तो रोना शुरू कर दे, रोना धोना। अब जब ये ट्रैप से निकल गया, तुरंत भूल गया, अरे अन बोले आपने तो ऐसा बोला था, मैंने हम बोला लेकिन अभी तो संभव नहीं क्या करें, ऐसा ही है। तो लेकिन गजेंद्र ऐसा बेईमानी नहीं की, गजेंद्र ये समझने वाला चीज है, गजेंद्र आर्त है, लेकिन गजेंद्र का आर्त जो है गजेंद्र रो रहा है, दिव्य सहस्र साल एकदम लड़ाई चल रहा है पानी में क्रोकोडाइल कुम्भीर और ऊपर में हाथी, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है 1000 दिव्य साल, लेकिन कोई किसी का जय पराजय का निश्चय नहीं हुई। और ये भी साधारण क्रोकोडाइल नहीं है, हुहु गंधर्व, इसका नाम है हुहु गंधर्व, जिन्होंने देवल ऋषि का चरण पकड़ के खींचा पानी के अंदर में, अरे कौन खींच रहा है, अरे हंस रहा है, अरे छागल कहीं का, जा कुमिर बन जा, कुमिर का मांगे खींच रहा है, तो भजन कर रहा है ऋषि, मजाक उड़ा रहा है, प्यार पकड़ कर खींचा। देवल ऋषि बड़ा गुस्सा में आकर, कौन खींच रहा है, गुस्सा में आकर दे दिया। अब रोना धोना ठीक है चल, ए मुनि ऋषि का सांप भी बर साबित हो जाता है, हो गया वो पानी का अंदर में कुमिर बन के रह गया,
और इधर तो इन दोनों मुनि को ये जो अगस्त ऋषि ने साफ दिया, अरे हाथी का मां भी बैठा हुआ है, बड़े बूढ़े आए तो उठकर स्वागत कर, तो उचित है, ये नियम है। और उठ के खड़ा नहीं भाई, पूजा नहीं की, बस हाथी हो जा, ये भी रोना धोना शुरू कर दिया, ठीक है। इस मनंतर में भगवान हरि तुमको उद्धार करे। अब इसको ये मुसीबत में ये जो आर तो है, खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, रेस कुछ नहीं है, सारे तमाम दुनिया का जो आशा है सब छूट गया, कोई बचा नहीं पाया। जैसे काल द्रौपदी जी का बात उठाया, द्रौपदी जी अब भगवान श्री कृष्ण सखा को गए कि आप क्यों नहीं आए पहले, बोला आप थोड़ी बता मेरे को बुलाए, अब तो बाद में बुलाए, पहले तो बुलाया नहीं, पहले आप सोचा कि चलो युधिष्ठिर महाराज आएगी कुछ तो, और पहले तो ये जो बड़े बूढ़े हैं पितामह भीष्म आदि तो कुछ तो रास्ता निकालेगा, कुछ नहीं किया। फिर युधिष्ठिर भीम तो तुमको मेरा पास तो कोई मेरा ऊपर तो कोई हैं प्रार्थना नहीं की, मेरा ऊपर तो आशा नहीं ना, इसीलिए मैं आ नहीं पाए। जब उतारे दो हाथ उतार कर, यहाँ तक कि अंतिम में अपना कपड़ा को, यहाँ तक कि अंतिम में अपना कपड़ा को खींच रहा है इज्जत बचाने के लिए, अंतिम में अपना कपड़ा को द्रौपदी जी खींच रही है अपने को बचाने के लिए। जो कामयाबी नहीं मिली भगवान को पुकार, भगवान आ गया। तो ये जो है आर्तो जो बहुत किस्म का, ये गजेंद्र जो है आर्तो तो है ही है, लेकिन इसमें कंडीशन भगवान लगा के रखा है, आर्तो होने से ही हमारा भजन करे ऐसा नहीं, इसका साथ एक शब्द लगा दिया, आर्तो हो लेकिन उसका साथ सुकृति होनी चाहिए, सुकृति वहां कैसा बच्चे, जैसे आर्तो है, आर्तो गजेंद्रो का पूर्व जन्म का जो भजन का जो प्रभाव है याद हो गया, मंत्र जप करके वो तैयार कर लिया, पहले तो भगवान अपने को बचाने के लिए शुरू किया, लेकिन अचानक अपना पूर्व जन्म का प्रभाव और ऋषि का भी ये कहना, ऋषि का भी साब ऐसा जो तुमको ठाकुर जी रखा करे, साबित सारे सारे सच्चा होना ही है। तो पहले तो शुरू किया बचाने के लिए, अंतिम में जो गजेंद्र स्तुति की तो उसमें साफा साबित होता है, गजेंद्र कह रहा है कि ठाकुर जी मेरा ये हाथी जोनी जो है, हाथी शरीर को ये बचाने के लिए हम आपको प्रार्थना नहीं कर रहे। तो इससे साबित ये होता है कि आर्तो तो जरूर है, लेकिन आर्तो इस सुकृति मां, क्योंकि पहले का भजन का सुकृति का ये जो है भाव आ गया, अब ये अपना शरीर को बचाने के लिए नहीं कर रहा है, पांच पांच भूत का बनावट ये जो शरीर है नहीं, ये आर्तो सुकृति बना, सुकृतिमान आर्तो है। और जिज्ञासुओं में आर्तो जिज्ञासु ये जो आत्मज्ञानार्थी, कभी कभी एक ज्ञान लाभ करने के लिए ज्ञान का प्रयास से कुछ करता है, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ये मोर जाता है इसका, ऐसा मापी ज्ञानियों के बारे में बताया नहीं। आर तो जिज्ञासु ज्ञानी के बारे में बताएंगे, जिज्ञासु ऐसा जिज्ञासु है, थोड़ा बहुत समस्या का समाधान करवा लिया, जिज्ञासा करके फिर उसका बाद मुंह मोर लिया, ऐसा जिज्ञासु कुछ काम का नहीं। यहां जिज्ञासु का मतलब है तत्व जिज्ञासा, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथो तो तत्व जिज्ञासा, ये तत्व जिज्ञासा आत्म जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा ये जरूरी है। जी आत्म जिज्ञासा मतलब मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं कर्तव्य क्या है, ये वास्तव जिज्ञासु का लक्षण है। कभी कभी जिज्ञासु है,
थोड़ा जिज्ञासु का भूमिका में उतार आया, बाद उसका बाद मुंह मोड़ लिया। अर्थार्थी का उदाहरण तो दे ही दिया मैंने, जैसे ध्रुव महाराज जी पहले सचमुच अपना कुछ मकसद लेके भजन शुरू किए, लेकिन अंतिम में नारद जी का कृपा का प्रभाव से ये जो मांगने का जो ये जो कुछ आशा लेके ये तो दूर हो गया, साफा हो गया। अर्थार्थी अज्ञानी चरों में सुखदेव जी गोस्वामी का नाम भी उठाया गया शास्त्र में। सुखदेव गोस्वामी परिनिश्चितोपि निर्गुण ने निर्गुण मतलब निर्गुण ब्रह्म में एकाक्षर निर्गुण ब्रह्म में ये पहले शुरुआत की, लेकिन व्यासदेव गोस्वामी का कृपा से भगवान का जो श्लोक सुने बढ़ा पीरण आदि अहो गोकी यम स्तन काल कुटम ये सब सुनने के बाद इतना खिंचावट पैदा हुआ हृदय में कि वो रहा नहीं गया, पूरा चले खींचे आए, पूरा भागे आए। तो ये जो है पहले और चतुष्सन के बारे में बताएं, पहले ये निर्विशेष ब्रह्मों का आराधना करते 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 समय बताएं। अब ब्रह्मा जी के सामने भगवान का महिमा, भगवान के चरण का महिमा सुनने के बाद इच्छा पैदा हुआ वैकुंठ में जाने का, और वहां जाके भगवान का चरण का तुलसी दल चंदन केसर तुलसी दल अगरु पुष्प इसका महक जो है नाकों में भगवान के चरण में अर्पित ये सब तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का सिद्धांत तो विचार ही हमारा भी एक ही सुंदर विचार है कि फलतः सिद्धांत तो ऐसा है जो आर्तो व्यक्ति आर्तो जनों का जो काम रूप कसाय हट जाए, जिज्ञासु जनों का सामान्य नैतिक ज्ञानाबद्धता सामान्य नैतिक मूल्य बोध ये ऐसा कसाय अगर हट जाए, अर्थार्थी का सामान्य पारलौकिक वो स्वर्गादि प्राप्ति का आशारूप कसाय और ज्ञानी व्यक्तियों का जो ब्रह्मलय करने का इच्छा, ब्रह्मलय वो भगवत तत्व में अनित तत्व बुद्धि युक्त काम कसाय, अनित बुद्धि युक्त जो कसाय है, ये चारों किस्म का भक्तों का अंदर से हृदय से और ये जितना सारे हमने बताए ये सब कसाय हट जाए, तब ये सुकृतिमंत होके मेरा भजन कर सकता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्चव, ये विचार करके रखना। कभी कभी ऐसा होता है, हमने उदाहरण दिया, विश्वनाथ चतुर्थी में बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्या किया, अब तो समय ऐसे समय कम है, विश्वनाथ चतुर्थी बाद व्याख्या किए। जे प्रधानी भूता भक्ति अनन्य भक्ति ये दोनों का बीच में फर्क क्या है, ये चारों किस्म का व्यक्ति जो प्रधानी भूता भक्ति ये चारों किस्म का हमने जो बताए ये अनन्य भक्ति नहीं है, चारों प्रकार का जो भक्ति है प्रधानी भूता भक्ति अधिकारी अंतिम में आगे चलकर वो बाढ़ सकता है। पहला तीन किस्म का आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थु ये कर्म मिश्रा भक्ति
शेष चतुर्थ अर्थ जिज्ञास अर्थार्थ ज्ञानी, ये जो शेष चतुर्थ ये ज्ञान मिश्रा भक्ति, और कर्म ज्ञानी कर्म ज्ञान आदि अमिश्रा मिक्सिंग नहीं है ऐसा मापी जो केवला भक्ति, ये बड़ा रेयर है, ये बड़ा रेयर है। कर्म ज्ञान आदि अमिश्रा नॉट मिक्सिंग, नॉट मिक्सिंग विथ कर्म ज्ञान आदि। जब कोई भक्ति किए लेकिन कर्म को प्राधान्य रखा है, कर्म को प्राधान्य रखा है लेकिन फिर भी भक्ति कर्मार्पण आदि प्रचेष्टा प्रयास प्रचेष्टा कर रहा है, तो इसको इसमें इसमें भक्ति का प्राधान्य प्राधान्य प्रायोरिटी नहीं है। विश्वनाथ चतुर्थ भी सबसे अनोखा मीठा टीका है विश्वनाथ चतुर्थ, विश्वनाथ चतुर्थ, विश्वनाथ चतुर्थ का कह रहे हैं कि देखो इसमें जो कोई कर्मार्पण अभ्यास कर रहे हैं फिर भी अंदर में एक मैं मेरा अपनापन का बुद्धि अभी तक उसका दूषित करके रखे, ये जो कर्मार्पण कर रहा है कर्मयोगी आदि सब कुछ है जो है इसमें कर्म का ही प्राधान्यता प्रायोरिटी है, भक्ति का प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए इसको प्रधानीभूता भक्ति का कैटेगरी में दिया गया। जहां ज्ञान प्रधान है वहां ज्ञान प्रायोरिटी है, उसमें ज्ञान प्रधान इसको इसका नाम दिया गया। इसीलिए इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए जे पहले जो आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी जे पहले तीन किस्म का बताए, ये चार ही प्रकार व्यक्ति जो प्रधानीभूता भक्ति अधिकारी, क्योंकि इसमें प्रिडोमिनेटिंग फैक्टर जो है ये भक्ति नहीं है, भक्ति को आगे रखकर तो कुछ दूसरा से दूसरा चीज हासिल करने का प्रयास प्रचेष में है। अभी आके जाके आगे जाके चर्चा हो रहा है, भगवान कह रहे हैं तेसाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो इति अर्थमहम सच मम प्रिय। भगवान कह रहे हैं जी ये लोगों में तेषाम, तेषाम मतलब ये लोगों में तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त हो, ये तीन लोगों में ज्ञानी सबसे ऊपर है। इन लोगों में नित्तो मदगतो चित्तो, ध्यान देके सुन ला, ये साधारण ज्ञानी नहीं है, मायावादी का माफी, इसका भी लक्षण हम बताएंगे, चार किस्म का कंडीशन। मतलब ये जो ज्ञानी है ज्ञान जो पक्का अवस्था में पहुंच जाते हैं ये भक्ति का ही दूसरा किस्म का एक स्वरूप है। ऐसे तो कच्चा ज्ञान जो है ये मायावादी का है, तो ये चारों किस्म का जो हमने बताए इन लोगों में जिसका नित्तो मदगत चित्तो एकांत मद अनुरक्तो तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है। इन लोगों में क्या क्या कंडीशन दिया, इन लोगों में नित्तो मदगत चित्तो, उसका बाद एकांत होनी चाहिए, मद अनुरक्तो तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये होना ही है। क्यों, क्योंकि मैं तत्वज्ञानी व्यक्ति का अत्यंत प्रिय हूं और ये भी मेरा प्रिय है, मैं भी उसका प्यारा हूं वो भी मेरा प्यारा है। आगे चल के व्याख्या हो पाएगा,
भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं कि कषाय शून्य अर्थो, कषाय मतलब जो जो डिफेक्ट्स है जिसका बारे में भगवान बताते हैं, अर्थो जिज्ञासु अर्थात तो ज्ञानी इच्छारों में अपना सुकृतिवान जो है वो हमारा भजन है। तो इसका व्याख्या हमने कर दिया भक्तिमय ठाकुर का अनुगत्व में, कषाय शून्य अर्थो, जिसका कोई कषाय है नहीं कि मुश्किल से मुश्किल आसान हो गया और भगवान को बोल गया दो कौन भजन करे। कषाय शून्य अर्थो, कषाय शून्य जिज्ञासु, कषाय शून्य अर्थार्थी, कषाय शून्य ज्ञानी, मतपर होके, पहले मतपर हो जाता है, मतपरता, मतपर नहीं हो पाए तो कैसे भजन करे, मतपर होके मरा भक्त बन जाता है। इन लोगों में ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कषाय परित्यक पूर्वक शुद्ध ज्ञान लाभ करके भक्ति योग्य अर्थात अन्यान्य तीन प्रकारों का जो कैटेगरी बताया, इन लोगों के इन लोगों में श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों भगवान बताएं कि इन लोगों में ज्ञानी व्यक्ति जो है इसका जो ज्ञान कषाय है परित्यक करके शुद्ध ज्ञान लाभ करके भक्ति योग युक्त होकर दूसरे तीनों कैटेगरी का तीनों किस्म का जो भक्त लोग है इन लोगों में ये श्रेष्ठ बनता है। क्या पहले तो ज्ञान ही है, ज्ञान का कंडीशन बताया, उसके बाद शुद्ध हो गया ज्ञान, ज्ञान जब शुद्ध हो जाता है परिपक्व अवस्था हो जाता भक्ति है, भक्ति युक्त हो जाता है, तो भगवान भक्ति का तो गुणगान हर वक्त करते रहते हैं। तो ये ज्ञानी का श्रेष्ठता भगवान ने बताया। भक्तिमय ठाकुर कह रहे हैं इसका तात्पर्य ये है जे स्वभावत नेचुरली ज्ञान अभ्यास के द्वारा चैतन्य स्वरूप जीवों का जो स्वरूप ये लाभ का जो प्रक्रिया है इतना शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। मतलब कहने का मतलब है नेचुरली स्वभावत ज्ञानाभ्यास के द्वारा, पक्का ज्ञानाभ्यास के द्वारा चैतन्य स्वरूप जो जीवों का स्वरूप ये लाभ करना जितना आसान होता है, जितना विशुद्ध होता है, कर्मियों का कर्म कषाय लेकर कर्मियों का अगर कर्म कषाय शून्य हो जाए फिर भी इतना शुद्ध नहीं हो पाता। ये होने से भी शुद्ध होने से भी सौ स्वरूपाव स्थिति इतना भी शुद्ध हो नहीं पाता जिसका ज्ञानी का होता है। और भक्तों का संग में भक्तों संग करके ये चारों के चार सारे के सारे अंतिम अवस्था में स्वरूपावस्थिति लाभ जरूर करते हैं अगर सही प्रोसीजर से चले। चारों में चार जो है वो ठीक है, भगवान बताएं कि चारों में ज्ञानी मेरा ज्यादा प्यारा है क्योंकि ज्ञानाभ्यास के द्वारा स्वभावतः नेचुरली चैतन्य स्वरूप जीवों का अपना स्वरूप विशुद्ध अवस्था प्राप्त करना इसके लिए आसान है। कर्मियों के लिए कर्म कषाय शून्य होकर कर्मार्पण के कुछ भी करे इसके लिए सौ स्वरूपावस्थिति उतना भी शुद्ध नहीं हो पाता, इतना जल्दी भी नहीं। भक्त संगो हर कोई के लिए जरूरी विषय है। भक्त संगो लेकर ये चारे के चारे जो है चरम अवस्था एब्सोल्यूट अवस्था में स्वरूपावस्थिति लाभ कर लेता है, ये तो ठीक है। साधन दशा में उक्त चारी प्रकार का अधिकारी का भीतर एक भक्ति विशिष्ट ज्ञानी भक्ति हमारा विशुद्ध दास और मैं भी इसका अत्यंत प्रिय, ये भी मेरा प्रिय है।
सुकादि सुकादि भगवत ज्ञान स्पूर्ति यह उदाहरण। जैसे सुखदेव गोस्वामी पहले तो ज्ञानी, उसके बाद भक्त संग में ऐसा ओके, इतना चरम अवस्था, एक्सेलेंट अवस्था, एब्सोल्यूट अवस्था में पहुंच गया कि सुखदेव का मापी का अवस्था प्राप्त होना असंभव है, मुश्किल। परमहंस बार बार जो सुखदेव गोस्वामी जो है से सुकादि भगवत ज्ञान स्फूर्ति इसका उदाहरण है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान लब्धो, शुद्ध ध्यान देना, शुद्ध ज्ञान लब्धो भक्तगणों का साधन कालीन भगवत कैंकर्य अर्थात दासत्व विशुद्ध चिन्ह जड़गंधो इसमें प्रवेश करना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने बताए कि ये मेरा प्रिय है। चारों किस्म का ये जो बोला इसका अंदर में साधारण आदमी सोच सकता है कि महाराज ये तो ज्ञानी तो, लेकिन ये ज्ञानी मायावादी का ज्ञानी नहीं है। चार किस्म का दुष्कृतवान व्यक्ति भजन नहीं करते, चार किस्म का सुकृतिशाली व्यक्ति भजन करते रहते भगवान ना। अभी बोल रहे हैं कि आर्तो जिज्ञासो अर्थात ज्ञानी है, चारों प्रकार भक्तों, चारों प्रकार भक्तों में ज्ञानी मेरा श्रेष्ठ है। क्यों क्यों ये लोगो नित्य युक्त होकर रहता है, सीधा समय बताया। इन लोगों में ज्ञानी भक्तो भगवान निष्ठो चक्रवर्तीवाद विश्वनाथ चक्रवर्तीवाद जी बताए, नित्यो मेरा साथ युक्त होकर रहता है, नित्यो अमाते युक्तो से जैसे। जैसे ज्ञानाभ्यास है वशीकृत चित्त बोलिया, ज्ञानाभ्यास के द्वारा वशीकृत चित्त जैसे बोलिया, मन का एकाग्र चित्तता आर्तादि तीन प्रकार एवं उत ऐसा नहीं है। तो इधर तीन चार किस्म का लक्षण बताए ज्ञानी भक्तों, ये साधारण ज्ञानी नहीं है मायावादी का मापिक। ये चार किस्म का कंडीशन भगवान ने बताए, पहला तो है नित्य युक्त हो, विश्वनाथ बोधी ये बताए नित्य अमाते युक्त हो से जैसे, जो हर वक्त मेरा साथ कनेक्शन नाता जोड़ के चलता है, नित्य युक्त हो, जोग युक्त हो, ऑलवेज इन टच विथ सुप्रीम लॉर्ड, नित्य युक्त हो। दूसरा है एक भक्तिमान, मतलब एका भक्ति छोड़कर कुछ चाहता ही नहीं, इसका अंदर में कुछ चाहत है नहीं, जैसे भक्ति भी चाहा ये भी चाहा ऐसा नहीं। एक भक्तिमान मतलब एकमात्र भक्तिमान, मेरे को ही भक्ति करता है और मेरा श्याम सुंदर आकार जो है भगवान ये तेरा उसका प्रिय है, मेरा जो श्याम सुंदर स्वरूप है ये इसका प्यारा है। और चार नंबर में बताए ये भी भगवान का प्यारा है, ये चार कंडीशन अगर फुलफिल करे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ज्ञानी बोलने से ही हम लोगों का ये एलर्जी होता है, ये सोचते हैं साधारण ज्ञानी बोलने से निर्विशेष ब्रह्मवादी ब्रह्म सज्जु जो पार्थी, लेकिन यहां ये नहीं है। चारों किस्म का कंडीशन भगवान ने बताए, जब भी आगे चल के हम विचार कर रहे हैं कि ये संभव है, क्योंकि चार कंडीशन है, एक तो है नित्य मुक्त है, दूसरा है एक भक्तिमान, एक एकांत तो भक्ति छोड़कर भगवान को दूसरे किसी को चाहता नहीं, एकमात्र भक्ति चाहता है, मेरा श्याम सुंदर रूप में आस्था रखने वाले बहुत प्यारा है उसका लिए और वो भी मेरा प्यारा है। ऐसा करके जो लक्षण है इसके द्वारा ही बताया गया। ये भगवान का जो विचार है ये
तेषाम ज्ञाने नित्य युक्तो एक एक भक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानीनो इति अर्थम अहम सच मम प्रिय। इन लोगों में नित्य मदगत चित्त एकांत अनुरक्त तत्वविद ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ। क्यों? ये तत्वज्ञानी अतिशय, मैं उसका अत्यंत प्रिय हूं, मैं तत्वज्ञान पुस्तक प्रिय हूं और ये भी मेरा प्रिय है। दोनों भगवान ने ऐसा करके एक्सप्लेनेशन कर दिया अर्जुन को। आगे चल के भगवान कह रहे हैं कि उदारहा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम अस्थितहा स्वाही युक्तात्मा ममेव अनुत्तमां गतिम। उदारहा उदारहा सर्व एवैते उदारहा सर्व एवोते एवैते, व्याकरण में जोड़ दिया संधि में, उदारहा सर्वो एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स्वाहि युक्तात्मा ममेव अनुत्तमां गतिम। ये लोगों में ये जो चार किस्म का बताया, ये सारे के सारे मेरा ये महत है उदारहा ही ते। चारों में चारों एते सर्वे, ये सब चारों किस्म का जो है ये सारे महत है, क्योंकि उसका डिसीशन जो है प्योर है। ये खराब नहीं, इसका बुद्धि जो ऑर्गेनाइज्ड है, देखिए इसलिए ये चारों के चारों महत कैटेगरी का है, ठीक है। किंतु ये ज्ञानी व्यक्ति हमारा आत्मस्वरूप है, इतना प्यारा है, इतना बड़ा प्रियत्ते प्रियत्व गुणों के द्वारा एकात्मता प्राप्त हुआ है, अर्थात उत्तमा मदगत चित्तो। ये तीन तीनों में ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप, ये मेरा अभिमत है, डिसीशन है, ये मेरा ओपिनियन है। ये चारों के चारे महत है, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। चारों के चारे ये चारे महत है, लेकिन चारों किस्म में चारों किस्मों में ये जो ज्ञानी भक्त है ये मेरा आत्मस्वरूप है। जैसे उद्धव को भगवान बोले ना मेरा आत्मस्वरूप है, ये मेरा अभिमत है, ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि ये मदगत चित्त हो गया और सर्वोत्तमा गति स्वरूप हमको ही आश्रय करके अवस्थान करते हैं। उदारहा सर्वे उदारहा सर्वे एवैते ज्ञानी त्वात्मैव ज्ञानी, किंतु तू आत्मैव ज्ञानी की, लेकिन ये जो तू है, ये जो उदारहा सर्वे एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, किंतु ये ज्ञानी मेरा मत स्वरूप है, क्योंकि इसका भाव थोड़ा अलग है। अस्थितः स्वाहि युक्तात्मा ममेव अनुत्तमां गतिम, येतु ये मत गत चित्त है और मतगत चित्त होकर सर्वोत्तमा गति स्वरूप हम कोई आश्रय करके अवस्थान करते रहते हैं। केवला भक्ति स्वीकार करो, तो भक्तिमठ कह रहे हैं कि केवला भक्ति स्वीकार करके पूर्वोक्तो चार ही प्रकार अधिकारी हर व्यक्ति उदार हो सकता। चार प्रकार व्यक्ति सारे उदार है ऐसा नहीं, चार प्रकार व्यक्ति अगर सब धीरे धीरे जितना कसाय है, जितना शॉर्टकमिंग्स है, कमती है, कसाय है,
ये सब छोड़कर जब अंतिम में आगे चलकर केवला भक्ति स्वीकार करे, ये ज्ञानी भक्त में प्रहलाद महाराज का उदाहरण ठीक है, केवला भक्ति स्वीकार करो तो पूर्वोक्त चारी प्रकार अधिकारी जो है परम उदार हो जाता है भक्ति में ठाकुर। ऐसा नहीं कि चारों किस्म के चारों है आर्त तो जिज्ञास तो सारे उदार है ना, ये आगे चलकर करते करते जब सत्संग किया केवला भक्ति स्वीकार करके आगे चलकर पूर्वोक्त तो चार किस्म का जो एक व्यक्ति जो है अधिकारी सारे के सारे आगे चलकर परम उदार हो जाता है, अतः भक्ति का आश्रय लेता है। किंतु ज्ञानी भक्तों इसके जो आत्मनिष्ठता है अर्थात चैतन्य निष्ठता अधिकतर प्रबल था का इसका ज्यादा है आत्मनिष्ठता, इसीलिए ये जो है चैतन्य गति स्वरूप सर्वोत्तम गति मुझ में अवस्थित होता है, ये मेरा ये प्यारा है, हम भी इसका प्यारा है, ऐसा करके चैतन्य चरिता में भी मितों में भी ये आता है विचार करके बलदेव विदाव समझता है उसका भी। अगर कोई प्रश्न उठाए पूर्व श्लोक में जो भगवान बताए उदारहा सर्वे वैत ज्ञानी, ये जो उठाया अभी एक क्वेश्चन आ सकता है महाराज पूर्व श्लोकों में ये जो श्लोक है इसमें भगवान ज्ञानी भक्तों का प्यारा है, ज्ञानी भक्तों को अपना प्यारा बताया, और कोई अगर ऐसा उत्तर उठाए कि तो फिर आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थो ये तीनों क्या प्यारा नहीं है भगवान, क्या ये प्यारा नहीं है, तो ये उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि ना 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 ऐसा बात नहीं है। तदुत्तरे ये उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्तों मेरा अत्यंत प्रिय है, ज्ञानी भक्तों मेरा अत्यंत प्रिय, तो दूसरा तीन किस्म का जो मेरा प्यारा नहीं है ऐसा नहीं, मेरा अत्यंत प्रिय है ज्ञानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी तीन किस्म का मेरा प्यारा नहीं, ऐसा नहीं। इसको समझाने के लिए इधर बताया गया दूसरा तीन किस्म का जो भक्त है ये जो हमारा प्रिय नहीं है ऐसा कोई विचार नहीं, क्यों पूर्व जन्मार्जितो सुकृति व्यतीतो, पहला जन्म का पूर्व जन्म का जन्मादि सुकृति छोड़कर आर्तादि आर्तवादि कोई भी हमारा भजन करने के लिए नहीं रुचि रखते, किस लिए है बोले पूर्व जन्मार्जित तो सुकृति छोड़कर सुकृति व्यतीत तो आर्तादि जो चार तीन किसी को बताया ये लोग मेरा भजन करे ये संभव नहीं है, मतलब ये जरूर कितार्थ है। मद विमुख ये जो जीवो है जीवो मद विमुख जीव समूह कामना का वशीभूत होकर दूसरा किस्म का देवता का अर्चन भी करना शुरू कर देते हैं, मद विमुख जीव समूह कामना का वशीभूत होकर दूसरा देव देवता का अर्चन शुरू करे काम स्त ज्ञाना प्रपद्दंते अन्न देवता, ये सब चर्चा आगे आगे चलकर आए। तो आर्तो जिज्ञासु अर्थात ही ये मेरा प्यारा नहीं है ऐसा बात नहीं, चैतन्य चरितामृत में मध्यखंड में व्याख्या किया आप विश्वनाथ चतुर्वेदी कह रहे हैं उदारधि सुबुद्धि काम रहितो व काम सहितो
भक्तेर भगवत विषयत्व सुबुद्धि चिन्ह, मतलब कामना है वासना कुछ भी है उदारधि सुबुद्धि काम रहितो व काम सहितो भक्तों का जो भगवत भगवत विमुखत्व भगवत विषयत्व अर्थात भगवान मेरा है, भगवान जो कि किसी का भजन नहीं करना। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जजे तो पुरुषम परम, इसका व्याख्या किया था, अगले दिन और करेंगे। चैतन्य सनात चकोद्वाद ये कह रहे हैं कि उदारधि, उदारधि माने कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे हमने उदाहरण दिया सौवरी मुनि, सौवरी मुनि हो सके तो गलती की, जो सौवरी मुनि का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो कम में फंस गया, अजामिल कम में फंस गया, पहले खराब नहीं क्या करें, लेकिन बुद्धि उतना उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेशन है तो उसका कोई समाधान होना होता नहीं। बिल्ल मंगल ठाकुर भी लीला की काम में फंसने का, लेकिन बुद्धि अब फंस गया क्या करे, लेकिन जो भी हो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इन लोगों में कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गौड़ीय विचार ये है, अगले दिन हम चर्चा करेंगे, ये लोगों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था इसीलिए बच पाए। कॉम्प्लिकेशन होने से और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, जैसे गया था दक्ष प्रजापति, इतना बदमाश है, वैष्णवानाम जथा समूह का निंदा की, गाली दी, इतना ही नहीं कितना अकथ्य गाली, ओह अपमान। इसका बाद यज्ञ का आयोजन किया, उसका बाद यज्ञ भंग हो गया, मस्तक कट गया, फिर भी भगवान शंकर भगवान का कृपा से जो अपना छाग छाग मस्तक, छाग जानते गोट, छाग मस्तक को प्राप्त किए करके स्तव किए, बड़ा भारी स्तव किए भगवान को, आप ही सब कुछ है आप क्षमा करो मेरे को बहुत कुछ किया। लेकिन शास्त्रों का विचार है, विश्वनाथ चतुर्थ कह रहे हैं जब भी स्तव किए कुछ भी किए फिर भी इसका अंदर का कसाई जो है अपराध का कसाई वो एकदम सफा हुआ नहीं, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए आगे जाकर प्रचेतस दक्षो रूपे जन्म हुआ, फिर आगे चलकर फिर यह अपराध का तो है ही है, बीज है अंदर में, आगे चलकर सीख नारद जी को शाप दे दिया, तो ये इसका जो है कॉम्प्लिकेशन है, इसके इसलिए उसका उद्धार नहीं। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो शंकर भगवान का कृपा से हो जाता, ये भी रास्ता खुल जाता, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारो थी तीव्रे न भक्ति योगे न जजेत पुरुषम परम, ये पक्का बात है। उदार थी मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, और भगवान जो कि किसी को भजन ना करे, अशुबुद्धि काम रहित और काम सहित, काम लेकर काम छुट काम से रिहा होकर कुछ भी हो, तो चैतन्य चरितमृत में लिखा हुआ है उदार महति जार सर्वोत्तम बुद्धि। चैतन्य चरितमृत में लिखा है जे उदारो महति जार सर्वोत्तम बुद्धि नाना कामे भजे तो पाए भक्ति सिद्धि। अलग अलग काम को लेकर कृष्ण ही भजन करे, दूसरा देवी देवा ना पूजी वो देवी देवा, नौतम कीर्तन में करे नाना कामे भजे तो वो पाए भक्ति सिद्धि। जैसे चैतन्य चरितामृत में जय राय रामानंद संवाद जो है, राय रामानंद संवाद का अंतिम में महाप्रभु कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, महाप्रभु दिखा रहे हैं ये अगर कामना है फिर भी अगर कोई कृष्ण को ही भजन करे,
दूसरा किसी चीजों में मन नहीं है, लगन नहीं है। तीस अवस्था में महाप्रभु जी ने बताए कृष्ण का भजन कर रहा है और मांग रहा है ये सब चीज है, अलग अलग किस्म का चीज मांग रहा है। तो चैतन्य चैतन्य तो ऐसा बता गया भगवान मानो कि भगवान कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ही कर रहे हैं, एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण मानो कि भगवान कह रहे हैं, यही मूर्खो आमी बिग्गो, अरे हम बिग्गो हैं, बिग्गो मतलब विशेष रूप में ज्ञात हूं, परात्पर अखिलेश्वर भगवान अनंत ब्रह्मांड का कोने कोने कहां भी कुछ भी हो रहा है साइमल्टेनियसली इसका जानकारी है, इनकॉन्सिबल। इसलिए भगवान मानो कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अरे मैं तो विज्ञ हूं, अरे ये मूर्ख है इसलिए माया का वस्तु मांग रहा है मेरे से, अरे हम कैसे दे इसको। अच्छा चलो ठीक है, कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी माया मोह का हटाकर फिर अपना लेता है भगवान, आ जा मेरा गोदी में आ जा। यहां तक कि भगवान का यह प्रतिज्ञा भी है अगर कोई गलती कर लिया, भगवान का ही अनन्न भजन कर रहा, कभी कभी गलती कर लिया तो इसका लिए शास्त्रों का भागवत जी महापुराण का प्रमाण है, इसके लिए तो कोई मुसीबत नहीं। क्यों? इसके लिए प्रायश्चित का कोई रास्ता नहीं है, दरकार नहीं, क्योंकि भगवान खुद ही इसको प्यूरिफाई कर ले, भगवान शोधन कर लेंगे। इसीलिए भागवत जी महापुराण में ये लिखा हुआ है, जब भी ये दूसरा तरह तरह का चीज मांगते रहता है, भगवान कह रहे हैं आमी बिग्गो ये मूर्खो, ये रे विषय क्या न दिबो, ये तो मूर्ख है, माया में मोहित होकर मेरे से विषय मांग रहा है। ए मूर्खो आमी बिग्गो, ए मूर्खो आमी बिग्गो ये मूर्खो, ये रे विषय क्या न दिबो, ये विषय क्यों देके इसको फंसाएंगे हम। सचरण अमृत दिया, अपना चरण का अमृत दिलाकर इसको विषय से छुटकारा रिहा कर देंगे। ये मूर्खो आमी बिग्गो, एरे विषय कहने दिबो, सचरण अमृत दिया विषय बोले, समझा। और भागवत में भगवान का प्रतिज्ञा है ये जब भी ये हमारा ही भजन कर रहा है, कभी भी कुछ उठपटांग हो गया, मानो कि ऐसा काम हो गया, ये इसके लिए शर्मिंदा होनी चाहिए, और शर्मिंदा दूर की बात है, इसके लिए पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ काम हो गया अचानक बाय चांस मेरा भक्तों से, फिर भी इसको प्रायश्चित करने का कोई दरकार है नहीं, क्योंकि मैं हूं, मैं जो मेरा भक्ति तो छोड़ा नहीं, मैं जो हूं धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो विकर्मो जच्चो उत्पतितम, विकर्मो अकर्मो है, कर्मो अकर्मो विकर्म, विकर्म तो घटिया कर्म है, रिग्रेटेबल। ऐसा अवस्था में भगवान कह रहे हैं कि अगर विकर्म जच्चो उत्पतितम, अगर कभी मेरा भक्तों का अचानक हो गया, विकर्म जच्चो उत्पतितम कथनचित बाय चांस हो गया, इसका लिए इसको प्रायश्चित करने का दरकार नहीं। धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो, भगवान इसका हृदय में प्रविष्ट होकर मैं जो हूं तो इसको साफा कर देंगे। इसके लिए भांगी को बुलाने का दरकार नहीं, मैं ही साफा कर दूं। उदार महति जार सर्वोत्तम बुद्धि नाना का में भजे तो उपाय भक्ति सिद्धि, भक्ति प्रभाव से ही काम छड़ाइया, इट इज द एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस पावर ऑफ भक्ति योग, भक्ति प्रभाव से ही काम छड़ाइया, काम को छुड़ाकर
कृष्ण पदे भक्ति कराए गुणे आकर्षिया। इतना पावर है कृष्ण का, इतना अनमोल चीज है भक्ति, इतना आश्चर्य गुणावली है भगवान में। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा उपी उरुक्रमे कुरुवंति अहेतुकिं भक्तिम इत्वं मुतगुण हरि। भगवान श्री कृष्ण 62 किस्म का व्याख्या की सनातन गोसाई के सामने, 18 किस्म का व्याख्या की इस श्लोक का सार्वभौम भट्टाचार्य जी का सामने। ते कोई मामूली बात नहीं है। जब भगवान खुद व्याख्या करे आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथा उपी उरुक्रमे कुर्वंती अहेतु किं भक्तिम इत्थम मुतगुण हरि। भगवान श्री कृष्ण का इतना पावर है, इतना गुणावली है। अगर थोड़ा बहुत कामना वासना भी है लेकिन उदार भी है, इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और एक भगवान छोड़ के किसी को चाहता ही नहीं। हमने उदाहरण दिया कैसे सुखदेव गोस्वामी को खींच के लाए परीक्षित महाराज। भगवान का अनमोल लीलाएं ये भक्तों के लिए संपत्ति है। भगवान खुद भी दशम स्कंद में बताए भजते तद्दिश कीरा जा श्रुता तत्परो भवेत। भजते तद क्यों भगवान कर रहे हैं ऐसा किला, मतलब महाराज भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला, भगवान का परिकर, भक्त सारे फुल ऑफ डाइवर्सिटी, अनमोल चीज है। भजते तद्दृश किरा, ऐसा में भी भगवान लीला रचाते हैं। क्यों भजते तद्दृश किरा जा श्रुता, जो सब लीला सुनकर भद्र जीव का अंदर में खिंचावट पैदा हो। भजते तद्दृश किरा जा श्रुता, जा श्रुता तत्परो भवेत। तत्पर माने तत्पर भवेत, भवेत मीन विधि लिंगो, जरूर वो आकर्षण महसूस करे अगर अपराध नहीं है तो। कई किस्म का व्याख्या दिया हुआ है मध्य खंड में चैतन्य चरितामृत का। महाप्रभु बता रहे कभी सनातन गोसाई को, कोई रूप गोसाई को, कभी राय रामानंद जी को। मुक्ति भुक्ति सिद्ध कामी सुबुद्धि यदि है गाढ़ो भक्ति जोगे तबे कृष्ण रे भजाए। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सुबुद्धि यदि है गाढ़ो भक्ति जोगे तीव्रे न भक्ति योगे न जजे तो पुरुषम परम। ही मस्ट जजे तो विधि लिंगो है, जजे तो पुरुषम परम। और भी है चैतन्य चैतन्य मध्य लीला का 22 खंड में एक ही चल रहा है। अन्न कामी यदि करे कृष्णेर भजन ना मांगिलो कृष्ण तरे दे सचरण। अन्न कामी दूसरा कोई कामना वासना लेकर अगर भजन करे, जो अकाम सर्व काम व्याख्या किया, अन्न कामी दूसरा कामना वासना लेके अगर करे कृष्ण भजन, अन्न कामी यदि करे कृष्णेर भजन ना मांगे ले हो बिना मांगे भी भगवान श्री कृष्ण ना मांगे ले हो कृष्ण तरे दे सौचरण, अपना चरण कमल दे देते हैं, इतना दयालु है। कृष्ण कहे अमा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कह रहे हैं कि अरे ये तो अजीब सा बात है, मेरा भजन कर रहे हैं और मांग रहा है विषय सुख मटेरियल एंजॉयमेंट। कृष्ण कहे आमा भजे, भजन हमारा कर रहा है वो तो ठीक है लेकिन मांगे विषय सुख। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख अमृत छारी विष मांगे यही बड़ो मूर्ख। ये अमृत छोड़कर विष मांग रहा है। कीर्तन में नरोत्तम ठाकुर लोचनदास ठाकुर का कीर्तन है सुंदर, भक्तिमोहन ठाकुर का विषय छारिया कवे शुद्ध अभिमोन है, ये सुंदर सुंदर कीर्तन है। रोज करना चाहिए कीर्तन, बंद करने से भक्ति बंद जरूर। कीर्तन भगवान का प्यारा है,
लोचनदास ठाकुर भी गोरा पुहु ना भुजिया मोहिलु, याद है ना कीर्तन नहीं करते हो, कीर्तन करने का टाइम नहीं। गोरा पहु न भोजिया मोहिनु पे मोर तन धन हेलाई हरायनु, गोरा पहु न भोजिया मोहिनु विषय विषम विष सतो तो खाइनु, विषय विषम विष। सुंदर कीर्तन है, विषय विषम विषम विष सतो तो खाए। गौर कीर्तन रसे नान विषय विषम विष सतो तो खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगनो न होइनु। भगवान कह रहे कृष्ण कहे अमा भजे मांगे विषय सुख अमृत छारी विष मांगे ए बड़ मूर्ख आमी विज्ञ ए मूर्ख विषय कहने दीब सचरण अमृत दिया विषय बुलाई। बहुत प्रमाण है काम लगी कृष्ण भजे काय चैतन्य ओ ऐसी एक ही जगह मध्य मध्यखंड चैतन्य चंद्रमित 22 अध्याय 41 श्लोक। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम लगी जैसे ध्रुव मारा हमको चाहिए हम बैठने के लिए नहीं मिला हमको, हमारा भी हक है। माता जी ने कही जाकर भगवान को पद बोला रसुन को बताओ इसमें ये सच्चा दरबार है इसमें सारे विचार मिलेगी। तो ध्रुव महाराज पहले कामना वासना लेके भजन किए, काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, अब भजन करे कृष्ण मंत्र करे हरि कथा करे तो कैसे। इतना हरि कथा करने का बाद भी अगर मटेरियल भावना है कि वो कथाकार है, ये भी कोई विचार हुआ कैसे हो सकता। ये तो रस है कृष्ण रस है, कृष्ण नाम करोगे हरि का तो कीर्तन करो, नो कीर्तन वीर्तन सब छोड़ के बैठ गया टीवी देखने में लग गया, सब बेकार है टाइम खराब कर रहे हैं। मौत का घड़ी आ रहा है, मौत का घड़ी सामने आ रहा है और कोई याद नहीं है। समय खराब नहीं करना, इंटरनेट लेके चला रहा है, अरे कथा तो 2 घंटा बाद होगा तो खेल ले थोड़ा। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छारी दास होइते होय अभिलाषी। कामना बसना है लेकिन कृष्ण भजन कर रहा है, गुरुजी भी सदगुरु है और करते करते कृष्ण रस मिल गया, बस जब मिल गया अब हमको और कामना बसना नहीं चाहिए। हाँ ठाकुर जी आप नहीं चाहिए, पहले मंगा था, नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए। काम छारी दास होते हय अभिलाष, प्रहलाद महाराज कह रहे अभी नहीं चाहिए ठाकुर जी, पहले तो सोचा था। और देवता लोग भी भगवत जी महापुराण में है, देवता लोग भी भगवान का आराधना करके कर रहे हैं, सत्यम दृशति अर्थितम अर्थितो नेनाम नैव अर्थ दो यत पुनरअर्थिता यत हो स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छताम इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। कैसा सुंदर, देखो कह रहे हैं कि कृष्णो पार्थित होने से भी बीइंग आस्क्ड, कृष्णो बीइंग आस्क्ड भाई यू नो, अगर मांगता है कुछ चीज कृष्णो पार्थित होके भी मनुष्य दिगो का प्रार्थना पूर्ण कर देते, ये तो सच्चा बात है। किंतु ऐसा किसी का अर्थ भगवान नहीं देना चाहता है जिस अर्थ से पुनः प्रार्थना का जरूरत, मेरा बात समझा नहीं। भगवान का सामने प्रार्थना किया भगवान तो पूर्ण कर देते, किंतु ऐसा किसी का अर्थ भगवान देना नहीं चाहता है जिस अर्थ से उसका नंगापन का समाप्त नहीं भय,
जिस प्रार्थना से तुम प्रार्थना कर रहे भगवान देना नहीं चाहते, क्यों? ये प्रार्थना का ये मांगे अगर पूर्ति कर दे, लेकिन फिर भी इसका नंगापन का समाप्त तो नहीं होने वाला। कृष्णो पार्थित तो होके बींग आस्ट, जाचना करने से मनुष्य देव का प्रार्थना जरूर पूर्ति कर देते भगवान। ये अका तो भगवान तो है जो अनन्य चिंतन तो जे जना मांग पर जुपासते, अनन्य चिंतन तो मांग जे जना पर जुपासते, तेषाम नित्ताभियुक्तानाम योगक्षेम अहम्यहम। ये श्लोक का व्याख्या आएगा, देखोगे बड़ा सुंदर। जोग और खेम बहन करने वाले एक ही कृष्ण ही हैं, और कोई देवी देवता नहीं है। जो है उसको प्रोटेक्शन दे, जो नहीं है उसको दिला दे, उसका बाद भी प्रोटेक्शन दे कि कैसे भी हालत से मेरा भक्त नाश नहीं हो जाए। ऐसा चीज भगवान देना नहीं चाहते जिससे ये मांगने वाले का जो नंगापन है ये समाप्त नहीं होते। ये पुनः भिखारी का माफी, अरे भगवान और ये दो और दे, ऐसा किम का अर्थ जो है बेकार नहीं देते। दूसरा कोई कामना वासना लेके कि अगर भगवान का भजन करे, ये लोग केवल तार चरण कमल का जो छाया जो है ये बिना मांगे भी भगवान दे देते हैं। एक कृष्ण पाद पद्म अन्न काम होके, अन्न कामी होकर ये लोग केवल दूसरा कोई देवदेव का नहीं, दूसरा कोई देवदेवता का नहीं भगवान का, तहार पाद पद्म पाइबा इच्छा ना करके भी, इच्छा नहीं है कृष्ण का ही भजन करे, कृष्ण पाद पल्लो पाइबा कृष्ण का ही भजन कर रहे हैं, लेकिन अन्न कामी होके जे लोग केवल मात्र भगवान का चरण कमल प्राप्ति करने का वासना नहीं रखता है, दूसरा वासना भी उसका अंदर जुड़ा हुआ है, ये कृष्ण जो है ऐसा मापिक वासना लेके भी अगर भगवान श्री कृष्ण का पाद पद्म का भजन करे कि एकमात्र भगवान का चरण का ही प्राप्ति का आशा नहीं है, दूसरा चीज का भी आशा है। ये लोगों को भगवान स्वयं दूसरा कामना मतलब जलन है, कामना वासना का मतलब जलन है, आंख का मग भी जलते हैं। इन लोगों को भी भगवान स्वयं कृपा करके कामना वासना का शांति रूप जो निजो पाद पद्मो जो है चरण कमल दे देते हैं। नौ काम कामानम उपभोगे न सम्मति, इसका अंग्रेजी कथा में व्याख्या हुआ था, हमने दिखाए कामना वासना का पूर्ति कामना वासना से बुझने वाला नहीं है। जैसे आगों का आग जल रहा है उसका अंदर में घृता होती, इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट अगर देते चलोगे, कैसे आग का बिना संभव नहीं, इसलिए इधर बताया गया नौ कामो कमानम उपभोगे न सम्मति हविषा किस्म वत्मी वो भूयो एवा भी वर्धते, ये आग तो बढ़ते चलेगा। महाराज कामना है, कामना का अंदर फिर फ्यूल डालो, टू ऐड फ्यूल इन फायर इज द एक्टिविटी ऑफ ए इडियट पीपल। क्या करे, ये लोग करते रहते और कुछ होता ही नहीं। अगले दिन व्याख्या हो पाएगा। तो सत्यम सत्यम दृशति अर्थितम अर्थितो नैनाम नैव अर्थ दो यत् पुनर्थिता यतः स्वयं विधत्ते भजतम अनिच्छतम मिच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम। बहुत सारी चर्चा आएगा। भक्ति दो किस्म का है, एक प्रधानी भूता एक केवला है, हमने टच किया है। ये दो किस्म में भक्ति का मिश्रण है, कर्म ज्ञान
का मिश्रण के साथ इसको प्रधानीभूत बोले। इसमें भक्ति वाइटल पॉइंट नहीं है, प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर भक्ति नहीं है। और एकांत रूप में अगर भगवान का ही चरण का कोई कामना वासना नहीं बचा हृदय में, ऐसा वह स्थिति पैदा हो जाए, इसका लिए रूप गोस्वामी पाद जी सुंदर चैतन्य भक्ति रसामृत सिंधु जी में बताइए, अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। इसका बारे में अगले दिन चर्चा हो पाएगा। ये भी ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको छोड़ने से पूरा बेकार हो जाएगा चर्चा, इसलिए समय लगा रहा हूं, क्या करे। अन्नाभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, यही हमको हमारा गौड़ीय भजन का मकसद है। इतना ही नहीं, अंतिम में चलकर आगे चलकर रूप गोस्वामी भक्त का अनुगत्य में, गोस्वामी लोगों का अनुगत्य में हमको रूपानुगमन राजा रागानुगम भजन रूपानुगम भजन करना है, नहीं तो सारे बेकार हो जाएगा। इतना सुविधा मिलने का बावजूद अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम वांछा कल्पतरु के पास सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।